आप लोगों को पता होगा, उनका कहना क्या था कि भालू मुंह खोल के तैरना शुरू कर दिया तो थोड़े दिन में वेल बन गया। और हम बंदर से इस तरह की बातें करते रहते हैं, डार्विन साहब, है ना। लेकिन आज वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीज है, जैसे 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 मान लीजिए हमारा कटा तो खून अपने आप ही जम जाता है, ये सोचने से कैसे हो जाएगा। चलो मुंह खोल के तैर रहे हैं तो मुंह बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या सोचने से ऐसा फंक्शन बॉडी में आ जाएगा कि कटते ही थोड़ी देर में ब्लड क्लॉट हो जाएगा। हम तो नहीं खुद कर सकते ना, हमारे अंदर क्षमता नहीं है। कई कुछ बहुत रेयर ऐसे व्यक्ति हैं इस दुनिया में जिनका कट जाने के बाद ब्लड क्लॉट नहीं होता है, बीमारी एक होती है, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए वैज्ञानिक, बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो सोचिए इतना, ये केवल सोचने से नहीं होगा जब तक किसी ने उसको हमारे अंदर डाला नहीं होगा। इसी तरह से जो चीजें वस्तुएं होती है उसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, जो कि थोड़ा सा इधर उधर कर देने से पदार्थ ही बदल जाता है। जैसे हीरा है और एक ग्रेफाइट होता है, एक पत्थर होता है ना। हीरा के अंदर जो सारा अणुओं का जो एक अरेंजमेंट रहता है वो थोड़ा सा इधर उधर कर देने से वो ग्रेफाइट बन जाता है और है कार्बन ही, सोचिए। और हीरा सबसे मजबूत है और ग्रेफाइट तुरंत में टूट जाता है, कितना डेलिकेटली उसको बैलेंस किया गया, कितने सोच के बनाया हुआ है, जैसा मैं बता रहा था। उस एक वैज्ञानिक ने यह खोज किया कि एक इस संसार में जो भी चीजें बनी हुई हैं कुछ रेशियो में बना हुआ है ना। तो फिबोनाची सीरीज एक मैथमेटिक्स में होता है, उसके जरिए उन्होंने बनाया कि जो भी स्पाइरल चीज है इस दुनिया में, चाहे वो बड़े बड़े गैलेक्सी क्यों ना हो, आकाशगंगा या गैलेक्सी क्यों ना हो, चाहे एक छोटा सा फूल क्यों ना हो, वो एक पर्टिकुलर रेशियो में है। जैसे फिंगरप्रिंट, जैसे एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट वो कहीं भी हाथ रखे तो कुछ फिंगरप्रिंट छोड़ता है जिससे पता चलता है कि वो व्यक्ति आया था, कोई आया था। या कोई आर्टिस्ट होता है, हर आर्टिस्ट का अपना एक ट्रेडमार्क होता है जिससे पता चल जाता है अच्छा ये इसने बनाया, ये इसने किया। म्यूजिक भी अगर कोई कंपोज करता है तो पता चल जाता है अच्छा ये AR रहमान ने किया, या अगर नाक से कुछ आया तो पता चल जाता है हिमेश रेशमिया ने किया, है ना। तो उसी प्रकार से छोटे से छोटी चीज और बड़े से बड़े चीज में ये फिबोनाची सीरीज फॉलो होता है। तो कहीं ये इसका मतलब क्या है कि जानबूझ के कोई चीज किया गया है, क्योंकि अगर आप कोई चीज को, कुछ वस्तु को, जैसे गेहूं का बोरा है मान लीजिए, आप उसको सड़क पर ऐसे ही फेंक दो, बिखरा पड़ा है, लेकिन अगर आपको उसमें कोई डिजाइन या पैटर्न दिखाई दे तो आप ये नहीं कहोगे कि उसको ऐसे ही फेंक दिया गया, आप मानोगे कि किसी ने उसको बैठ के अच्छा से बनाया। या रंगोली आप कहीं देखो, कलर होता है, कलर को ऐसे ही छिड़क दो तो रंगोली तो नहीं बन जाएगा, अगर रंगोली बनाया तो मतलब किसी ने उसको बनाया है। तो कहीं भी अगर पैटर्न और डिजाइन है मतलब किसी ने उसको बनाया है। अब जैसे एक सैटेलाइट छोड़ना होता है तो उसके पीछे कई सारे चीजों को ध्यान में रखना होता है। कई बार आप देखते हैं कि सैटेलाइट छोड़ने गए और गिर गया, ठीक से लॉन्च ही नहीं हुआ, गया ही नहीं परिधि में, और उसके पीछे इतने सारे चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, उसका किस गति से छोड़ना है, कितने ऊंचाई पे छोड़ना है, और हमेशा ही उसको देखना पड़ता है। साइंटिस्ट बैठ कर देखते रहते, मॉनिटर कर रहे होते हैं वैज्ञानिक, है ना। तो एक छोटा सा जब ये जो उपग्रह है उसको छोड़ने के लिए इतने सारे चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, ओरिएंटेशन क्या है, स्पीड क्या है, है ना, और क्या उसका ही कम तो नहीं हो रहा है स्पीड, इतने सारे चीजों को ध्यान में रखना होता है। इतने सारे उसमें वैज्ञानिक लगते हैं, देखिए सब बैठ के देख रहे हैं, है ना। तो ये जो इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, उपग्रह का क्या भार होता होगा, कुछ भार नहीं, सैटेलाइट का कुछ टन भार होता होगा। आप देखिए पृथ्वी का भार कितना है, 6 × 10^21 मेट्रिक टन्स, हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतना भार है, इतना भारी है उसको, जब एक उपग्रह को छोड़ने के लिए इतना दिमाग लगता है तो ये जो पृथ्वी अपने परिधि में घूम रही है और इतने स्पीड से घूम रही है और भी ग्रह घूम रहे हैं, उसके लिए क्यों नहीं दिमाग लगेगा, उसके लिए कोई किसी ने क्यों नहीं सोचा होगा कुछ।
या हम फेंकते हैं उपग्रह को, रखते हैं एक जगह, स्थिर करते हैं, तो ऐसा ये अपने परिधि में कैसे स्थिर हो गया? उसके अर्थ के चारों ओर मैग्नेटोस्फेयर है, प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है कि जिस सूर्य के विकिरण जो आते हैं, किरणें आती हैं, हार्मफुल रेज जो होते हैं, है ना, उससे वो रक्षा करते हैं। तो ये रक्षा का कवच किसने दिया भाई? हमारा अगर किसी चीज से रक्षा होता है, कुछ होता है, तो हम धन्यवाद करते हैं किसी व्यक्ति को, या हमें पता चल जाता है कि कोई रक्षा कर रहा है हमारी। इतनी तरह की रक्षा हमको प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन हम क्या है कि हु इज इन कंट्रोल? एक सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रूम में इतने वैज्ञानिक थे, इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, पृथ्वी तो बहुत छोटा है फिर भी आप लोग जानते ही हैं, उससे बड़े बड़े सैटर्न है, नेपच्यून है, जुपिटर है, सन तो और बड़ा है, और सन से बड़े बड़े भी स्टार्स हैं, सन तो उन स्टार्स के सामने कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन फिर यही उठता है उन लोगों से जो कि कहते हैं कि हम नहीं मानते। आप एक तरफ मान रहे हो, छोटे छोटे चीजों में आप मान रहे हो, लेकिन वही एग्जैक्टली वही चीज है, बहुत बड़े पैमाने पे है, उसमें आप नहीं मानते, उसमें बोल देते अपने आप ही हो गया होगा। क्या नासा पृथ्वी को कंट्रोल कर रहा है? इफ ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल्स द सिग्नल ऑफ ट्रैफिक, हु कंट्रोल्स द ट्रैफिक ऑफ रिवॉल्विंग प्लैनेट्स? आपस में टकराते नहीं है, एक उसमें चल रहे हैं तो परिधि में चल रहे हैं, चाहे वो बड़े से बड़े प्लैनेट, इवन सन के बारे में भी कहा जाता है, वो भी गैलेक्सी का, वो भी जो आकाशगंगा है उसके चारों ओर घूम रहा है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इतने सारे हम जब आकाश में देखते हैं तो इतने करोड़ों अरबों तारे हैं। अगर भी अभी हुआ था ना कोहरे में, लाइन से कितनी गाड़ियां टकरा गई थी, थोड़ी सी गाड़ियां हो जाए, थोड़ा सा वैसा कोहरा हो जाए, कुछ हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है, थोड़ा सा ट्रैफिक पुलिस वहां नहीं रहे तो जाम लग जाता है ना, और कहीं स्क्रैच लग जाएगा, दो लोग आपस में लड़े, पूरा जाम लग जाता है, ट्रैफिक पुलिस को रहना पड़ता है। सोचिए इतने करोड़ों असंख्य तारे, असंख्य ग्रह, लेकिन कोई भी टकरा नहीं रहा है, तो कौन है, किसने ऐसी व्यवस्था की है? क्या हमको उसका धन्यवाद नहीं करना चाहिए? नहीं तो कभी भी खत्म हो सकता है। तो जहां भी डिजाइन है वहां डिजाइनर होगा, हमने देखा। अब हम एनर्जी, तो एबीसीडी ए फॉर्मूला था, तो हमने क्या क्या शुरू से देखा? ए फॉर आर्टिस्ट्री, तो हर आर्ट के पीछे कोई ना आर्टिस्ट होता है। बी से हमने देखा ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, जहां भी एक सुव्यवस्थित ढंग से कोई चीज चल रही है तो उसके पीछे किसी का हाथ होता है, कोई ऑर्गेनाइजर होता है। सी से हमने देखा कि जहां भी क्रिएशन है तो क्रिएटिविटी है, तो वहां पे कोई ना कोई क्रिएटर रहेगा, जहां भी किसी वस्तु का निर्माण हुआ है तो कोई निर्माण करने वाला होगा, है ना। डी से हमने देखा कि अगर हमें कहीं डिजाइन दिख रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन दिख रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई डिजाइनर होगा। अब सूर्य कितना प्रकाश, एक जैसे हम छोटा छोटा बल्ब इतना लगाते हैं, और ये अगर कोई बड़ा से बड़ा बल्ब बना ले, फ्लड लाइट भी कर ले, एक मैदान से बाहर रोशनी नहीं देता है, है ना? लेकिन भगवान ने एक ऐसा बल्ब टांग दिया है जो पूरे विश्व को रोशनी देता है एक बार में, है ना, और उसका बिजली बिल भी नहीं आता। अब सोचिए उसका बिजली बिल आने लगे तो क्या होगा? In 1 second, our sun produces enough energy to meet the current needs of entire Earth for 5 lakh years. एक second में सूर्य इतनी ऊर्जा देता है कि 5 लाख साल तक पूरे पृथ्वी का जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। तो ये भगवान का कार्य है, इसलिए भगवान को उरुक्रम कहते हैं। उरुक्रम means उनका कार्य का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। जब वो कोई कार्य करते हैं तो फिर उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। Every second 600 million tons of protons are converted into helium. अंदर का जो रिएक्शन होता है। Amount of solar energy every square meter of Earth's surface receives over the course of a 24-hour day 164 watts. तो every square meter में 164 hours 24 घंटे में मिलता है हमको। Solar panels आप देखते हैं आजकल कई लोग लगाते भी हैं। The reaction taking place in sun is nuclear fusion, same as hydrogen bomb. तो लेकिन सूर्य का जो है हजारों लाखों हाइड्रोजन बॉम्ब के बराबर है, उससे भी ज्यादा है जो वहां पे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जहां पे एनर्जी है तो कहीं ना कहीं एनर्जेटिक होगा। अगर आपके घर में लाइट आ रहा है तो आप पीछे अगर जाएंगे तो पावर हाउस में कोई व्यक्ति बैठा है, इंजीनियर बैठा है, तभी ये इतना ऊर्जा आ रहा है।
ऐसा नहीं कि अपने से ही होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। गांव में पहले अंधकार होता था, बिजली भेजा जा रहा है तो बिजली आ रहा है। ऐसा नहीं कि अपने आप ही बिजली दौड़ता उधर चला गया, लो मैं आ गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जो हमको तरह तरह की ऊर्जाएं मिले, चाहे विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, टाइडल एनर्जी हो, जो कुछ भी हो, वो किसी ने भेजा है, जिसको हम भगवान कहते हैं। लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, जो कि मैं पहले कह रहा था कि अगर हम थोड़े सजग दृष्टि से देखें, जागरूक दृष्टि से देखें, तो समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप ऑफिस में जाते होंगे या कॉलेज में जाते होंगे, है ना, या कहीं पे भी आप कहीं मॉल में गए, कहीं भी गए तो चेक होता है पहले कुछ वहां भी। तो हर जगह हम देखते हैं कोई ना कोई नियम है, नियम के दायरे में रहना। तो सड़क पे आप चलते हैं तो ट्रैफिक लाइट के नियम का पालन करना पड़ता है, घर में अगर रहते हैं तो नियम का पालन करना पड़ता है किसी न किसी के, है ना। हस्बैंड को, हस्बैंड जैसे अगर घर में कोई बुजुर्ग है तो उनके बताए हुए नियमों के अनुसार, हाँ, जैसा पहले होता था, आजकल तो कल्चर खत्म हो गया है ना। पहले कोई एक घर का बड़ा होता था, वो जैसा बताता था बाकी सब लोग वैसा करते थे। तो कहीं ना कहीं हमको नियम का पालन करना पड़ता है। वो नियम कौन बनाता है? जैसे ट्रैफिक लाइट का नियम किसने बनाया, किसने बनाया? ट्रैफिक लाइट इतने देर, इतने सेकंड लाल रहेगा, इतने सेकंड हरा रहेगा, किसने बनाया? ट्रैफिक कंट्रोलर ने। किसने बनाया? कोई लॉ मेकर है। उसी तरह से कॉलेज में भी 9 बजे से लेट नहीं पहुंचना है, ऑफिस में भी 9 बजे से लेट नहीं पहुंचना है, वहां कोई लॉ बनाता है। अगर हम उस लॉ को तोड़ते हैं तो क्या होता है? पनिशमेंट मिलता है हमको। तो जैसे कॉलेज का जो लॉ है वो प्रिंसिपल बनाते हैं, ट्रैफिक का जो लॉ है वो इंडियन ट्रैफिक पुलिस या अमेरिकन ट्रैफिक पुलिस देश के हिसाब से, है ना। उसी तरह से जो स्पोर्ट्स का लॉ है, जैसे क्रिकेट का है तो ICC बनाती है, है ना। तो जहां भी लॉ है कहीं कोई ना कोई लॉ मेकर है। अब आप मुझे बताइए कि जो कुछ ऐसे लॉज, ऐसे जो नियम जो कि मनुष्य द्वारा नहीं बनाए हुए, जो आप हर दिन महसूस करते हैं, कुछ ऐसे नियम कानून जो कि मनुष्य द्वारा नहीं बनाए हुए लेकिन हर दिन आपको उपयोग में आता है, सूर्योदय, सूर्यास्त और मृत्यु और मौसम का चेंज। मौसम का चेंज तो आजकल मनुष्य भी बना रहा है। जब बरसात होना चाहिए तो सूखा पड़ता है, और गुरुत्वाकर्षण, घर्षण मनुष्य ने तो नहीं बनाया, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने बनाया, उससे पहले था नहीं, न्यूटन ने तो खोज, अगर होता नहीं तो सेब गिरता कैसे, है ना। तो इस तरह के से कई सारे नियम हैं या हमारे जीवन में दिनचर्या में बहुत काम आते हैं, है ना। जैसे हम अभी गर्म कपड़े पहने हुए, ये गर्म कैसे कर रहा है? वो भी तो प्रकृति के नियम के हिसाब से चल रहा है ना, कि उसमें एयर कैप्चर हो जाता है, फिर हमारे बॉडी हीट से वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप तार पे कपड़े डालें और आप पहन लें वो कपड़े, पहना हुआ कपड़ा जल्दी सूख जाता है अगर गीला हो तो। जैसे कभी कभी हम किसी भी और पुस्तक पे इतने लोगों ने टीका टिप्पणी किया हो जो हम डे टू डे में पढ़ते हैं, कोई मैथ्स का पुस्तक हो, कोई फिजिक्स का पुस्तक हो, कोई लेखक का पुस्तक हो, हिंदी के लेखक हो चाहे अंग्रेजी के लेखक हो, उन्होंने तो लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उसके बाद उस किताब को और विस्तार से एक्सप्लेन करने के लिए या इधर उधर से उस पे 700 लोग कुछ लिख रहे हो। भगवत गीता पे ही क्यों? क्योंकि भगवत गीता में वो बात है जो शायद हिटलर समझ गया और बड़े बड़े पाश्चात्य देश के लोग समझ गए, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। आज कई जगह आप देखिए मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, जैसे स्टीवन आर कोवी एक बहुत फेमस लेखक हैं पाश्चात्य देश के, उन्होंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ऐसे करके एक बुक लिखा, करोड़ों कॉपियां उसकी बिकी,
और लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आया उस किताब से, लेकिन वो बेचारे चीखते रह गए कि ये सारी चीजें मैंने भगवत गीता से सीखी है और भगवत गीता को कोई पूछ नहीं रहा। तो वही बात है, जैसे क्या होता है ना कि अंग्रेज हमारी यहां से मटेरियल ले जाके उसको नया पैकिंग करके दे देते हैं, हम उसको दुगना तिगना दाम में बेच खरीद लेते हैं, स्वदेशी माल पे हमको भरोसा नहीं रहता है, और वो प्रवृत्ति बनी हुई है। वही भगवत गीता से लेके एक अलग नाम देके द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अलग पैकिंग करके वही चीज हमको थमा देंगे और हम 500-500 रुपए देके खरीदेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद खूब सुनेंगे उनका, लेकिन जो ओरिजिनल है कृष्णा को नहीं सुनेंगे हम। ये बहुत विचारणीय बात है और हमारे लिए एक दुर्भाग्य, खास करके भारतवासियों के लिए, कि हीरे के खान पे बैठे हुए हैं और हम कोयला इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि कुछ बेच के कुछ मिल जाए। ये प्रॉब्लम है। तो शास्त्र पे हमको फेथ करना होगा, हम विज्ञान पे विश्वास रख के, कोई वैज्ञानिक क्या कल को ये बताते हैं, आज को ये बताते हैं, कल को कुछ और बताते हैं, फिर भी हमको उन पे इतना विश्वास रहता है। भूकंप का तो बता भी नहीं पाते कि भूकंप आने वाला है, बाद में बता देते हैं कि इतना रिक्टर स्केल पे था और इतने लोग मारे गए, यही तो बताते हैं, है ना। फिर भी शास्त्र में कई हजारों साल पहले बता दिया गया कि जीसस क्राइस्ट आएंगे इस समय, गौतम बुद्ध आएंगे इस समय, कलयुग का ये हाल रहेगा, और जो हम देख पा रहे हैं अगर आप पढ़ेंगे भागवत पुराण तो कितनी चीजों की भविष्यवाणियां कर दी गई और वह सत्य हो रहा है, फिर भी हमको उस पर विश्वास नहीं था। भाई जब एक चीज सत्य हो रहा है, 10 चीज सत्य हो रहा है, आगे थोड़ा ट्राई करके तो देखें कि जीवन जीने के जो पद्धति बता रहा है अगर उसको हम पालन करेंगे तो क्या वो सत्य निकलेगा नहीं जो रिजल्ट बताया हुआ है। भगवत गीता में बताया हुआ है अन्नात भवंती भूतानी, है ना, अन्नात, जैसे बताया गया है कि अन्न से व्यक्ति पेट भरता है और जो जीव है वो पलते हैं, और अन्न किससे होता है, परजन्यात संभव, बारिश से अन्न उत्पन्न होता है। तो जब इतना बात सच लिखा हुआ है तो आखिर में उसमें लिखा हुआ है कि सब कुछ ठीक से है, यज्ञ कर्म समुद्भव, वर्षा समय पे कैसे होती है, यज्ञ करने से, तो उसको हम झूठ क्यों मान रहे हैं, ट्राई ही नहीं किया, करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि करेंगे तो फिर इंद्रियों को कंट्रोल में करना पड़ेगा, कुछ समर्पण करना पड़ेगा, जो इंद्रिय इधर उधर भाग रही है, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो कैसे भी रहो, नियमित जीवन जीना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ है ना, सैक्रिफाइस, यज्ञ मतलब क्या होता है, सैक्रिफाइस। लेकिन भगवान भगवत गीता में ये भी कहते हैं कि सैक्रिफाइस जो है, यज्ञ जो एक नियमित जीवन जीने का तपस्या है, वो शुरू में हो सकता है थोड़ा कष्टमय लगे लेकिन बाद में अनंत सुख देता है। लेकिन अनियमित जीवन जो है वो शुरू में तो आनंद देता है लेकिन बाद में कष्टिकर देता है। अर्जुन जब बिविल्डर हुए, जब विषम परिस्थिति में आ गए, तो उन्होंने क्या बोला कि स्वर्गाधिपत्य, अगर स्वर्ग का भी अधिपत्य मुझे मिल जाए। आज हम सोचते हैं हमारा जीवन का जो ये परेशानियां हैं वो कुछ करोड़ रुपए से ठीक हो जाएगा, अर्जुन ने बोला कि स्वर्ग का अधिपत्य भी मिल जाए तो मुझे शांति नहीं मिलने वाली। और न ही भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को परेशान देख के बोला अच्छा ठीक है मैं तुम्हें 10 करोड़ का चेक काट के दे रहा हूं, जीवन में सुखी हो जाओगे। उन्होंने जो ज्ञान दिया वो सुख का रास्ता था, वो ज्ञान हम नहीं अपनाएंगे तो सुख की हम आशा कर नहीं सकते। चपल सुख मिलेगा, कोई कह सकता है बर्गर खाने से सुख मिल गया हमको, तो मूवी देखने से हमको सुख मिल गया, हमको पार्क पार्टी में जाने से सुख मिल गया, कितने देर का सुख है वो, कितने देर तक आप ले सकते हैं, मैं आपको 10 बर्गर दूंगा आप खा लेंगे क्या, नहीं खा पाएंगे। 2 पिज्जा का स्लाइस आप टेस्ट करेंगे, तीसरे में नाना करने लगेंगे, तो आप बताइए सुख क्या पिज्जा में है, आप तो पहले अब मना क्यों कर रहे हैं, अगर सुख है तो क्या है, मन में हमने सोच लिया इसमें शायद कुछ है, असल में उसमें कुछ नहीं, असल में होता तो 10 या 50 भी खाते आप सुख देता, लेकिन 2 से 3-4 में दुख का कारण बन जाता है, पेट में दर्द गैस परेशानियां, है ना। तो शास्त्र जो है उस पर इनिशियल फेथ, जैसे आप कॉलेज में जाते हैं ये विश्वास रखें इनिशियली कि कॉलेज में जब पढ़ के निकलूंगा तो मुझे जॉब लगेगा, नौकरी पे आप जाते हैं कि महीने के अंत में सैलरी आ जाएगा, कुछ विश्वास रखते हैं, विश्वास रखे कार्य करते हैं उसका रिजल्ट मिलता है।
तो फिर शास्त्र को हम अंधे की तरह नकार क्यों दे? ठीक है, अंधे की तरह हम विश्वास नहीं करें, लेकिन उसमें भगवान भी नहीं कह रहे अंधे की तरह विश्वास करो। भगवान तो कह रहे हैं कि भाई वैज्ञानिक ढंग से विश्वास करो। वैज्ञानिक ढंग यह है कि जो बताया गया उसको पढ़ो, उसको जीवन में उतारो, तुम्हें रिजल्ट मिलता है तो आगे बढ़ो, यह आवश्यक है। बाकी सारी चीज हम ट्राई कर रहे हैं सुखी होने के लिए, बस एक चीज छोड़ के, भगवत गीता भागवतम को छोड़ के बाकी सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं। इससे क्या बैर है भाई, क्या दुश्मनी है? तो ये जो शास्त्र में लिखा है ये परम सत्य वाक्य, इसका इस पे हम विश्वास करेंगे तो जीवन आप देखिए फिर क्या बनता है। यहां बैठे हैं आपके सामने एग्जांपल्स है भाई। शास्त्र ये नहीं कहता आप हिमालय में चले जाओ, है ना, सब छोड़ दो, कुछ नहीं। अर्जुन ने भी नहीं छोड़ा, युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व के राजा थे। इट इज वेरी इजी, खास करके कलयुग के लिए तो इतना आसान उपाय दिया है कि उसका कोई पूछना ही नहीं है। हम आपके सामने बैठे हुए हैं, हिज ग्रेस स्वरूपानंद प्रभु है, ही इज वर्किंग विद होंडा कंपनी, और ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटा मोटा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माधारायण प्रभु है, राधिका प्राण प्रभु, इतने डिवोटीज हैं, दे आर गोइंग टू कॉलेज, उनके बच्चे हैं, है ना, सब कुछ होते हुए भी, पानी में रहते हुए भी कमल के फूल की तरह पानी टच नहीं कर रहा है। इस पूरे भगवत गीता में भगवान बता रहे दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम, जगत में रहते हुए भी दुख इनको टच नहीं कर रहा है। सारी ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन डिटैच भी है, जिसको युक्त वैराग्य कहते हैं। ड्यूटी नहीं छोड़ रहा, ऐसा नहीं ड्यूटी छोड़ दिया, कर रहे हैं ड्यूटी और आनंद में कर रहे हैं। इसी स्टेज पर तो पहुंचना चाहते हैं ना हम लोग, नहीं पहुंचना चाहते, इसी स्टेज पर तो पहुंचना चाहते हैं कि सारी ड्यूटी हम करें भी लेकिन अंदर से हम भी आनंद में रहे, हमारा परिवार भी पूरा आनंद में रहे। तो अब हम देखेंगे वैज्ञानिकों का क्या कहना है, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। आइंस्टाइन, सबने कुछ नाम तो सुना ही है, है ना? There is a perfect brain behind all the natural physical laws. तो आइंस्टाइन कह रहे हैं कि जितना भी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और जितना भी हम लॉज देख रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति है। उसी तरीके से लॉर्ड केल्विन है, वो कह रहे हैं इफ यू थिंक स्ट्रॉन्गली इनफ यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। अगर आप गहराई से सोचे तो विज्ञान भी भगवान को मानने के लिए मानना पड़ेगा उसको। ये न्यूटन का स्टोरी बहुत फेमस है, किसी को पता है? जो वैज्ञानिक न्यूटन थे और उनके मित्रों के बीच कुछ घटना घटी थी, कुछ पता है किसी ने पहले सुना? बताइए माता जी, आप बताइए। ऐसा ही कुछ है इसमें, और थोड़ा डिटेल्स है और कोई तो बताइए बताइए। इसमें ये था कि न्यूटन ने एक हमारे सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया था, ग्रह है, बीच में सूर्य है, ग्रह है, और वो अपने आप ऐसे चलती थी कुछ मैकेनिकल तरीके से, उसने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया था कि वो घूमती थी गोल गोल। तो उनके कुछ मित्र आए तो उन्होंने बोला अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा है, किसने बनाया ये, तुमने बनाया? बोला अरे नहीं मैंने नहीं बनाया, रात में कुछ ऐसे ही लोहे का टुकड़े वुकड़े रखे थे मैंने और नीचे बम लगा दिया, फूटा तो अपने आप ही बन गया। तो बोले मजाक क्या कर रहे हो भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, घूम रहे इतने अच्छे से, इतना अच्छा डिजाइन है, सब कुछ है, तो अपने से कैसे बन जाएगा? तो फिर न्यूटन ने उनसे बोला, वो जो उनके मित्र थे वो सब नास्तिक थे, कि जब इतने छोटे से चीज को, ये सौर मंडल का केवल एक नमूना है, नमूने को जब तुम नहीं मान रहे हो कि खुद से बन गया तो तुम इतने बड़े सौर मंडल को कैसे कह देते हो खुद से बन गया। उसके बाद उनके दोस्तों का दिमाग खुल गया और वो भी फिर आस्तिक हो गए।
This most beautiful system of the sun, planets and comets could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful being. This being governs all things not as the soul of the world but as Lord over all. And on account of his dominion, he is to be called Lord, God, universal ruler. तो बता रहे हैं कि जो भी कुछ हम सुंदर देखते हैं, जो भी चीज हम देखते हैं कि बहुत क्रियाशील है और बहुत उसमें कोई रचना है, वो किसी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति ने बनाया है और वही भगवान है, वही सुप्रीम बीइंग है। उसी तरह से अनेक साइंटिस्ट ने भगवान के बारे में कहा, There is a higher power not influenced by our wishes, which finally decides and judges. Werner Heisenberg, Heisenberg principle जो होता है, आप लोग जो साइंस पढ़े, तो वो बता रहे हैं कि कोई एक ऊपर बैठा है, जो कि बहुत ही स्वतंत्र है, स्वराट है। जैसे भागवत पुराण का पहला ही जो श्लोक है, उसमें बताते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्मादे यस्य यतः अन्वयात् इतरतश्चार्थेश अभिज्ञ स्वराट। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मतलब वसुदेव का पुत्र कृष्ण, उनको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, जन्म आदि यस्य यतः अन्वयात् इतरतश्चार्थेश च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। तो आपसे ही जन्म होता है सारे वस्तुओं का, सृष्टि और संहार सब आपसे ही होता है, और डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आप सब कुछ जानते हैं संसार में क्या चल रहा है, और आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। तो वो यहीं पे वर्नर हाइजेनबर्ग यही चीज बता रहे हैं यहां पे। तो इस तरीके से कई साइंटिस्टों ने कहा। अब $2 million क्वेश्चन है, ये मैं स्किप करूंगा क्योंकि आप सही जवाब देंगे तो $2 million देना पड़ेगा, अभी है नहीं मेरे पास। वहां मौका मिला ना मिलो, आज आपको खेलने का मौका मिल जाएगा। तो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स? अब ए बी सी डी किसको लॉक किया है? सभी सबका वोटिंग 100% है, फोन ऑफ फ्रेंड वगैरह तो जरूरत नहीं है ना। और सही जवाब आपको मिलता है कुछ नहीं, पर्पस। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, सभी सभी सहमत हैं या किसी के लिए बी भी है या ए भी है? ए भी होगा। तो सारे ही पर बोल तो सब डी रहे हैं। सोचने मत। डी लग रहा था। डी कभी कुछ कभी हम कभी हम नहीं चाहते कि आपका कभी खुशी कभी गम चले, हम तो चाहते हैं कि खुशी ही खुशी चले। तो वो किससे होगा? है ना, डी से, टू अंडरस्टैंड गॉड इन लाइफ। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे नहीं तो 1 crore पे पहुंच जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अभी तो कहीं से चंदा इकट्ठा करके नहीं भी देंगे। Have you seen a complicated machine which came by chance and has no purpose? आप लोग में से कई लोग घर पे भी complicated machine के साथ काम करते होंगे, मिक्सी है, ग्राइंडर है, या ऑफिस में भी जाते होंगे तो कंप्यूटर है या लेथ मशीन है, बहुत सारे ऐसे होते पैकेजिंग मशीन है। तो क्या आपने आप जैसे कोई मित्र आपसे पूछे कि अरे इतना आप ले गए अपने ऑफिस में दिखाने के लिए, बहुत अच्छा बड़ा लेथ मशीन है, ऑटोमेटिक लेथ मशीन है, कि ये कहाँ से आया? तो आप बोलेंगे अपने आप ही आ गया। पूछेगा अरे इसका क्या करता है ये? कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ भी करता है। तो वो चुपके से उधर कोने में जाएगा, हेलो मेंटल हॉस्पिटल, आपको ले जाने के लिए कहेगा। तो कोई भी चीज जो हम कॉम्प्लिकेटेड देखते हैं वो चांस से नहीं आता, कोई ना कोई उसको बनाया हो। एनर्जी है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, तो हमारे यहां भी सन एंड मून है। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो हमारे यहां भी गोल्ड, सिल्वर, नवरत्न, डायमंड्स, ये सब कुछ है। डिफेंस मिनिस्ट्री है,
जो कि प्रोटेक्शन देता है हमें डेंजर से। तो ओजोन है, पृथ्वी के ऊपर आवरण है कई सारे जो हमें बचाते हैं कई तरह की चीजों से। एजुकेशन है, तो हमारे में भी वेदास, बाइबल, होली कुरान, ये सब है बुक्स एजुकेशन देने के लिए, विद्या देने के लिए। लेसन फ्रॉम द यूनिवर्सल गवर्नमेंट एक्टिविटी, तो हम क्या सीखते हैं, कोई पढ़ेगा इसको आप में से? Next. Behind every government there is many. A prime minister. Prime minister maintains and control the country. God maintains and control the whole universe. Government law officers live happily and government law breakers are punished. God's law evaders live तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया कि जीवन में सफरिंग है तो क्यों है, क्योंकि लॉ को कहीं ना कहीं हम तोड़ रहे हैं। अब इसको लिंक बैठाना पड़ेगा कि क्या गलत हम कर रहे हैं कि सफरिंग है। तो वो गलत भी ऐसा नहीं है कि हमको भगवान ने ऐसे ही छोड़ दिया है। अर्जुन को भी सफरिंग हो रहा था तो भगवान ने बताया, वही भगवद गीता मैनुअल सारा कुछ दिया हुआ है, क्या हम गलत कर रहे हैं क्या हम सही कर सकते हैं। ज्यादा इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, बस 10 हाथ की दूरी पे, 2-5 हाथ की दूरी पे रखा है आपने। The unseen is proven by the seen. तो जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसमें, जैसे आप मोतियों का माला पहनते हैं माली, तो मोती आपस में टिकी हुई है, कोई भी मोतियों की माला देख के समझ सकता है कि उसके अंदर धागा होगा। Unseen is seen by the seen. Proven by the seen. तो देख के नहीं दिखती हुई चीजों को भी प्रूफ किया जा सकता है। अगर किसी का हाथ जला है तो जाहिर सी बात है आग से ही जला होगा, है ना, कहीं पे पानी से तो जलेगा नहीं। तो मोतियों की जो माला है जो अच्छे से गुथी हुई है, तो हम बिना धागे को देखे समझ जाते हैं कि अंदर धागा है। उसी तरह से भगवान बताते हैं, मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणैव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे अर्जुन, मैं जो कृष्ण हूं मेरे से ऊपर कोई नहीं है। और इस जगत में जो भी चीज आप धारण किया हुआ देख रहे हो, जैसे सूरज चल रहा है, चंद्रमा उग रहा है, हवा चल रहा है, सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पीछे मैं हूं। मैं सभी चीज को क्रियाशील रखे हुए हूं। अगर मैं अपना हाथ खींच लूं, जैसे एक शरीर से अगर आत्मा चला जाए तो शरीर तुरंत गिर जाता है, डेड बॉडी हो जाता है। उसी प्रकार से अगर भगवान अपना हाथ खींच ले तो सब कुछ गिर जाएगा, ढह जाएगा। आवर प्राइम ड्यूटी, ये एप्लीकेशन है, क्योंकि होता क्या है, सुन तो हम लेंगे सब कुछ लेकिन वो दूसरों के लिए सुन लेते हैं, अपने जीवन में उतारने के लिए सुनना ही असली टेस्ट है। असली टेस्ट यहीं पे आता है जहां पता चलता है कितने लोग फेल करेंगे पास करेंगे। जैसे एक सर्वे हुआ, एक रिसर्च हुआ, तो उसमें हुआ कि कई सारे लोगों को एक ही तरह का एजुकेशन दिया गया, एक ही तरह का एडवाइस दिया गया, कुछ लोग उसमें से काफी आगे निकल गए, बिजनेसमैन बन गए, बड़ा बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया कुछ ऐसा, कुछ लोग फिसड्डी रह गए, कुछ लोग मीडियोकर रह गए। तो सोचा कि सेम एनवायरनमेंट दिया गया, सेम एजुकेशन दिया गया सब कुछ, तो डिफरेंस कहाँ था? तो रिसर्च में यह निकला कि स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन में जो सुना उसको कितने तेजी से अपनाया, उसने डिसाइड किया कि कौन कितने तेजी से आगे बढ़ा। तो जो भी आज हमने सुना है, देखा है, और जो भी प्राइम ड्यूटी बताया जा रहा है, उसको हम जीवन में अपनाएंगे जितना तेजी से, हमारे जीवन में भी चेंज आएगा, बदलाव आएगा, सुधार आएगा और दूसरों के जीवन में। तो प्राइम ड्यूटी कोई और पढ़ना चाहेगा? कोई और माता जी, प्रभु जी, किस प्रभु जी में से कोई पढ़ना चाहेगा प्राइम ड्यूटी? यूज वंस इंटेलिजेंस टू एप्रिशिएट द ग्रेट ब्रेन ऑफ गॉड, टू यूज साइंस टू ग्लोरीफाई गॉड्स क्रिएशन, टू क्रिएट वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल अवेयरनेस, टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ लॉर्ड्स क्रिएशन। तो ये सब तब हम कर पाएंगे जब जानेंगे, तभी तो। जाने बिना हम कैसे 2+2=4 जानते, नहीं तो 5 पढ़ा के आ जाएंगे। आजकल यही तो चल रहा है, सीरियल से सब सीखते हैं, आध्यात्मिक लोग सीरियल से सीख रहे हैं,
मैं कहता हूं एमबीए का डिग्री भी सीरियल से क्यों नहीं ले लेते, डॉक्टरी भी सीरियल से ही पढ़ लिया जाए। तो वो सब तो हम प्रॉपर कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके टीचर और बुक से पढ़ते हैं, लेकिन जहां अध्यात्म की बात आती है तो हम सीरियल से पढ़ते हैं, है ना। तो आध्यात्मिक जो ये विज्ञान है, जो साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, साइंस ऑफ सोल है, साइंस ऑफ गॉड है, साइंस ऑफ कर्मा है, वो सारे को पढ़ने के लिए भी हमको उतना ही प्रॉपर तरीके से एक यूनिवर्सिटी का अप्रोच करना पड़ेगा, एक सिलेबस कोर्स बुक का अप्रोच करना पड़ेगा, और इन सब के बीच में टीचर को अप्रोच करना पड़ेगा, है ना। ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम नहीं समझ सकते। आप सोचिए कि इतना जो पहले, आज से पहले के युग में लोग श्रुतिधर हुआ करते थे, इतना पोल्यूशन नहीं था, शांति थी, हरा भरा था, इतना सीरीन इन्वायरमेंट होता था, वहां भी लोगों को गुरु की आवश्यकता होती थी ज्ञान अर्जन करने के लिए, वेदों को समझने के लिए, तभी तो गुरुकुल हुआ करता था। आजकल गुरुकुल तो नहीं रहा, लेकिन इंटरनेट कूल हो गया है ना। इंटरनेट से हम पढ़ रहे हैं, इंटरनेट से हम अध्यात्म को समझ रहे हैं, सोचते हैं कि नरसिंह पुराण और भागवत पुराण और विष्णु पुराण डाउनलोड कर लेंगे और सब समझ में आ जाएगा, जबकि बताया गया कलावस्मिन युगे जना मंद मंद सुमंद मते हो, कलावस्मिन कि कलियुग में सबका पहले के मुकाबले और क्षमता कम हो गई है, ब्रेन का, चीजों को समझने का, ग्रहण करने का, है ना। तो पहले के समय में जब लोगों को इतना गुरुकुल जाने की आवश्यकता होती तो आज कैसे नहीं होगी। 10 रुपए में अगर 99 रुपीज का इंटरनेट रिचार्ज करा के कोई समझ लेता वेदास और पुराणास तो फिर बात ही क्या था। तो इसलिए क्या तीन चीज मैंने बताया जरूरी है स्पिरिचुअल साइंस में समझने के लिए। देखिए अभी कलयुग प्रूव हो जाएगा, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैं तो 10 बार पढ़ चुका हूं तो मैं भी भूलता, फिर भी एक रिकॉल करने का प्रयास करिए क्या तीन चीज जरूरी है किसी भी एजुकेशन के लिए, क्या तीन चीज जरूरी है। स्पिरिचुअल को समझना जरूरी है और वहां पे गुरु का होना जरूरी है, टीचर होना चाहिए, हां, और फिर जो टीचर बताए वैसा हमें करना जरूरी है। हां, माता जी सतयुग से आई है लग रहा है, जैसे पहले होता था ना ऋषि मुनि वगैरह आ जाते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया आपने माता जी। तो ये तीन चीज तभी जाके हम उसको सही मन को समझ पाएंगे। देखिए भगवत गीता संस्करण तो बहुत पढ़ा हुआ है, संस्कृत जाने वाले प्रकांड विद्वान है, लेकिन भगवत गीता में भगवान स्वयं बताते हैं स एवायम मया ते ते योग प्रोक्त पुरातन भक्तों सीमे सखा चेति रहस्यम ये तद उत्तम। ये एक उत्तम रहस्य है जो कौन समझ सकता है, केवल मेरा भक्त समझ सकता है, है ना। तो जिसको फेथ है, भक्त मतलब क्या, जिसको फेथ है भगवान के वर्ड्स पे, नहीं तो कोई संस्कृत कितना भी पढ़ ले, कितना भी इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसे पढ़ ले वैसे पढ़ ले, अगर वो भक्तों के मुख से नहीं समझ रहा है, सुन रहा है, परंपरा में डिसिप्लिन सक्सेशन में ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है ना, तो फिर वो व्यर्थ जाएगा। जैसे हम कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो पहले क्या चेक करते हैं, यूजीसी अप्रूव्ड है कि नहीं, किससे अफिलिएशन है, कोई यूनिवर्सिटी के अंडर में है कि नहीं। ऐसा तो नहीं होता ना कि चिंटू राम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोई बगल में खोल दिया, हम उसमें जाके घुस गए पढ़ लिए, क्या पढ़ेंगे और क्या डिग्री मिलेगा, क्या काम आएगा, है ना। अगर डिग्री मिल भी गया तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा, आप जब जॉब लेने जाएंगे तो वैल्यू रहेगा उसका, नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से अगर हमने इधर उधर से पढ़ भी लिया और समझ भी लिया, डिग्री भी मिल गया कि हाँ बहुत अध्यात्म में जान गए, परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं किया हमने, तो फिर जो भगवान के नियम है उसके अंदर आपको रिकग्निशन नहीं मिलेगा। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, समझा, याद किया और जीवन में उतारने का शपथ लिया। ये मैंने अपने तरफ से ऐड कर दिया। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। काफी इंटेलिजेंट लोग यहाँ हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबको समझ में आ गया है। तो समझ में आने का फिर, जैसे समझ में आने का फिर परीक्षा क्या होता है, प्रश्न पूछना, और प्रश्न नहीं पूछा तो मतलब ये होता है कि बस नेक्स्ट डे से उनके जीवन में दिखने लगेगा, तो वो फिर देखा जाएगा। कोई प्रश्न नहीं। सोल के बारे में आप लोग से अगर पूछा जाए कि आप प्रूफ करिए कि कैसा सोल होता है, कोई बाहर में बोले अरे मैं आत्मा को कौन, दिखाओ दिखाओ आत्मा को, कैसे आप प्रूफ करेंगे बताइए, कोई कोई बताइए।
चलिए अभी आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया। इस साइंटिफिक प्रूफ के है कि बिफोर डेथ और आफ्टर डेथ इंसान में 21 ग्राम अप्रॉक्स कम हो जाता है। अच्छा 20 ग्राम कम 21 ग्राम कम हो जाता है। अरे मे बी जीवन का बोझ उसका कम हो जाता है, इतने सारे की चिंताएं जो सर पे लेके चलता है उससे कम हो जाता है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बताया, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन। और कोई इस तरह का तो जैसा प्रभु जी ने बताया और भी अच्छा पूछिए माता जी प्लीज। मैंने कल पूछा था कि समटाइम लगता है कि टोल है, कभी लगता नहीं है, तो मुझसे बोल रहे क्या बताएं, कि मैं भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि क्या है करके। हाँ आप पूछा था कल, कल पूछा था प्रभु जी ने क्या आंसर दिया था। नहीं उन्होंने बोला कि आप सीनियर बताइए कि आपको कब लग रहा है कब नहीं लग रहा है ऐसे बताइए, तो आपको कंफ्यूजन आपका धीरे धीरे दूर हो जाएगा, आप सेशन कंप्लीट करिए आपका क्लियर होता जाएगा। वही है जैसे कैलकुलस का हम साइन देख लेते हैं, अगर सेकंड क्लास का बच्चा कैलकुलस का साइन देख ले या मैथमेटिक्स का जो हायर, तो जब तक उस क्लास में नहीं पहुंचेगा तो धीरे धीरे स्टेज वाइज। तो प्रभु जी ने एकदम सही बताया था। तो जस्ट जैसे सोल का क्या है कि साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, है ना। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब कि कई लोगों का जैसे मृत्यु, एकदम मृत्यु हो गई उनकी और उसके बाद फिर जिंदा हो गए और सब लोगों ने सेम एक्सपीरियंस शेयर किया, मुझे आया कोई आके ले जा रहा था और फिर मैं एक दरवाजे के थ्रू निकला, इस तरीके से करके सबका एक कॉमन एक्सपीरियंस। दूसरा ये कि कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका ऑपरेशन हो रहा है और ब्रेन डेड है, चेतना बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया कि आप ये कर रहे थे, है ना, सारा कुछ बता दिया कि आप सिगरेट भी पी रहे थे इस तरीके से। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे इसका तो उसने बताया कि मैं ऊपर से देख रहा था और उसके बाद फिर रिसर्च भी हुआ उस पर कि फोटो वोटो पीछे छुपा दिया गया जिसको मरीज देख ही नहीं सकता है, लेकिन कई केस में उस फोटो के बारे में भी उसने बता दिया कि ऐसा था। तो अब साइंटिस्ट भी बिलीव करने लगे हैं सोल है, ये तो साइंटिफिकली है। अब हम एक उस पर रिचुअलिस्टिक उस पर प्रोसेस पे समझने का प्रयास करें, तो कोई मरता है तो हम क्या कहते हैं, वो चले गए, भाई शरीर तो यही है, चला कौन गया। मैं एक बात शेयर करना चाहती हूं। हां बताइए माता जी। मेरे बगल में एक बंगले में दादा जी थे जो डेथ करने के कुछ दिन पहले रोज अपने आप से बातें करते थे। अच्छा। मैं छोटी थी, मैं हमेशा जाकर उनके पास, वो हमेशा बोलते थे यहां बेटा एक चेयर लगाओ, महादेव मिलने आते हैं मेरे से, और कभी कभी मैं छिप के देखती थी तो वो अपने आप से ही बातें करते थे और वो बोलते थे अरे बैठो बैठो, हाँ मैं अभी जाऊंगा नहीं या कुछ भी, पता नहीं अपने आप से बातें करते रहते थे। उसके बाद वो दिखता था कि पता नहीं शायद उसे कोई दिखाई देता है, बोलते वो मुझे बुला रहे हैं, उन्हें उनके पास जाना है। फिर एक दिन फिर वो डेथ कर गए दूसरे एक ही दिन बाद, लेकिन वो रेगुलर 10 दिन पहले से ही ये बात बोलते जा रहे थे कि अरे आओ बैठो, इनको भी कुछ खाना दो, ऐसा लगता था जैसे उनसे कोई मिलने आ रहा है, उनको कोई बुला रहा है। तो ये मेरे सामने का एक्सपीरियंस है ऐसा कि सच में उनको कोई दिखाई दे रहा था या उनको सच में ऐसा इंटरनली फील हो चुका था कि वो नहीं रहेंगे। देखिए माता जी ने जो बात शेयर की, मतलब ये सब जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं उससे भी मतलब विश्वास, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस किया है। तो ये जैसे माता जी ने एक एग्जाम्पल दिया, तो जैसे हम बोलते हैं चले गए वो तो नहीं रहे, और जब तक आप जैसे डेड बॉडी, एक डेड बॉडी और लिविंग बॉडी में क्या डिफरेंस होता है, अगर आप उसके अंदर के पदार्थ का निरीक्षण करें तो पदार्थ तो वही का वही है, इतना ही पोटेशियम उतना ही कैल्शियम उतना ही मैग्नीशियम अंदर। तो ऐसा क्या होता है कि थोड़े देर पहले हम शरीर के साथ बहुत आसक्त रहते हैं या आदान प्रदान रहता है और एक सेकंड बाद ही सब कुछ वही है, लेकिन हम शरीर से दूर भागते हैं, भाग भैया भागो, कुछ मिसिंग हो गया उसमें, चेतना जी, चेतना, हाँ चेतना मिसिंग हो गई जो सोल है अंदर, क्योंकि पदार्थ में चेतना नहीं होता है, चेतना तो अलग एक वस्तु है। जैसे ये कमरा मान लीजिए पूरा खाली है और यहां आपको व्हाइट पेंट का टुकड़ा गिरा हुआ मिले, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे,
टूटा हुआ कहीं से, क्या करेंगे आप? खाली कमरा है पूरा, आपको पेंट का एक कुछ दीवार का उखड़ा जैसा मिले, आप क्या करेंगे? वेरी नाइस, थैंक यू ब्रो जी। देखेंगे कहां से गिरा है, अगर आपको सोने का टुकड़ा मिले तो आप क्या देखेंगे कहां से गिरा है? लेकिन आप समझ जाएंगे किसी को, कोई व्यक्ति आया था बाहर से, उसका गिर गया है। उसी प्रकार से हम अपने चारों ओर देखते हैं कि जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, ये भी जड़ है, ये चेतना अलग सा क्या आ गया? कुछ आप दीवार को थप्पड़ मारे वो कुछ नहीं कहेगा, है ना? आप टेबल को लात मार दे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन व्यक्ति को आप थप्पड़ मारते हैं, बनाओ उसी पंच मार, अगर आप केमिकल एनालिसिस करें, पदार्थ का एनालिसिस करें, तो उसमें भी वही सारी चीजें हैं जो, है ना? जैसे डेड बॉडी को आप मारते हैं नहीं प्रोटेस्ट करता है, लेकिन लिविंग बॉडी को मारते हैं प्रोटेस्ट करता है, केमिकल तो वही है। तो वो चीज जो प्रोटेस्ट करता था वो भाग गया, निकल गया, है ना? फिर कई एक अमेरिकन साइंटिस्ट हुए, स्टीवेंसन कुछ उनका नाम था, उन्होंने कई हजारों पुनर्जन्म के केस पे काम किया और 30 ऐसे केस निकाले जिसको मना किया ही नहीं जा सकता कि पुनर्जन्म है। तो अब आप बताइए कि मैं एक छोटा बच्चा हूं, मैं कैसे 50 साल पहले की बात बता दूंगा? जब तक कि उस छोटे बच्चे वो छोटा बच्चा 50 साल पहले भी ना रहा हो, लेकिन शरीर तो 5 साल पुराना ही है, तो कैसे वो बता दे रहा है? तो इस तरह से कई एविडेंसेस हैं जो प्रूफ करते हैं कि सोल है। अभी क्लियर है आपको या अभी भी डाउट है? हाँ श्योर, है ना? इयान स्टीवेंसन आप सर्च करिएगा, इयान स्टीवेंसन, है ना? तो आपको उनका मिलेगा रीइंकार्नेशन या नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ये सारा आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा काफी कुछ उसमें। नेट पे तो बहुत स्टोरीज और देखिए, जैसे हम बचपन में छोटे थे हमारा शरीर कुछ और था, फिर हम बदल गए, अभी हम कितने बड़े हो गए, शरीर कुछ और हो गया है, लेकिन क्या हम अपने आप को दूसरा व्यक्ति मानते हैं या हमारे घर वाले परिवार वाले बोलते हैं कि तुम दूसरे व्यक्ति हो? लेकिन शरीर तो बदल गया, लेकिन हम नहीं बदले, कुछ ऐसा अंदर चीज है जो वही का वही है। बाकी आप नेट पे सर्च करिए, ये सब काफी आपको मिल जाएगा। और कोई प्रश्न? तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है? बाकी कोई प्रश्न होगा तो आप ऐसे पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय।